हे गाइस वेलकम टू फिटटेक अल्टेगर काफी कमाल के टेक अपडेट्स को लेके दोस्तों शुरुआत करेंगे। सबसे पहला जो अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से। दोस्तों इन्फिनिक्स जो है वो काम कर रहा है 260 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ में। अब दोस्तों 260 वॉट जो है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। आपको बता दूं रिसेंटली रेडमी ने उन्होंने बताया था 300 वॉट का और उससे पहले रियलमी जो है 240 वॉट का यूज करता है, तो 260 वॉट जो है वो सेकंड नंबर पे हो जाएगा फास्ट चार्जिंग के मामले में। वैसे गाइस इन्होंने बताया है कि 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग वायरलेस भी ये इनके फोन के अंदर आएगी। सो देखते हैं ये कौन सा फोन होगा, आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। 9 मार्च को अनाउंस करने वाले हैं इनका थंडर चार्जर या चार्जिंग सिस्टम। वैसे तो व्हाट्सएप जो है वो काम कर रहा है स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर स्पेशली टैब्स के लिए, तो अभी जो है बीटा टेस्टर अगर आप हो टैबलेट वगैरह के ऊपर तो आपको मिल गया होगा, अगर नहीं हो तो जैसे ही इसकी टेस्टिंग पूरी होगी आपको मिल जाएगा। वैसे इस वनप्लस की तरफ से जो नॉर्ड CE3 आने वाला है इसकी सारी स्पेक्स और यहाँ का रेंडर जो है वो लीक हो चुके हैं। सो बेसिकली वैसे ये फोन लॉन्च होने वाला है जुलाई में। अब दोस्तों पता नहीं जुलाई में इंडिया में आएगा या जुलाई में पहले चाइना में जाएगा, लेकिन हमारे पास सारे स्पेक्स आ चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G। दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें डिस्प्ले की तो 6.72 इंच की डिस्प्ले आएगी, फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होगा। रियर साइड में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा, 50 मेगापिक्सल IMX890 सोनी का। अगर बात करते हैं दो और कैमरास की तो 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का होगा जो कि अल्ट्रा वाइड और मैक्रो वगैरह होगा। अगर बात करते हैं फ्रंट की तो 16 मेगापिक्सल का होने वाला है। 16 मेगापिक्सल दोस्तों कॉमन हो चुका है जैसे मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं बहुत बार। अगर बात करते हैं बैटरी की तो 5000 mAh की बैटरी होगी, 80 वॉट का फास्ट चार्ज रहेगा साथ में, तो फास्ट चार्जिंग मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। तो 8GB 128GB का पहला वेरिएंट आ जाएगा, दूसरा या फिर मैक्सिमम वेरिएंट आ सकता है इसमें 12GB 256GB का। दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो फोन काफी अच्छा होगा। लेट्स सी कि इसकी प्राइसिंग क्या आती है, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे जिस तरीके से प्राइसिंग वगैरह इंक्रीज हो रही है प्रोसेसर की, मुझे लगता है कि 35,000 तक ये आ सकता है, बाकी देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे कि ओप्पो की तरफ से MWC 2023 में एक नया ऑब्जेक्ट या एक नया दोस्तों चीज को लेके आए सामने, और वो है ओप्पो की तरफ से उनके दोस्तों ये बेसिकली टैग्स हैं। ये दोस्तों सबसे बढ़िया चीज इनकी है कि इनके अंदर बैटरी नहीं है, ये बैटरी लेस है। इसका फायदा ये है कि इनको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपको ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में किसी भी चीज के साथ में आप लगाना है लगा दीजिए, चिपका दीजिए और भूल जाइए कि आपने कुछ लगाया था। और अगर आपको ट्रैक करने की जरूरत पड़े तो बड़े आराम से आप ट्रैक कर पाओगे। दोस्तों ये बहुत सही है क्योंकि एयर टैग्स वगैरह आते हैं, सैमसंग के टैग्स आते हैं जो कि दोस्तों बैटरी वगैरह के थ्रू चलते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। अगर बैटरी खत्म हो जाए और हमारा ऑब्जेक्ट हमसे गुम हो जाए तो हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे ट्रैक कर पाएंगे, तो ओप्पो का ये कंसेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों आईटेल की तरफ से उनका पैड लॉन्च हो चुका है वन इंडिया में। इसका स्क्रीन साइज आता है 10.10 इंच का फुल एचडी प्लस। दोस्तों यहां पर ये जो टैब आता है इसके अंदर आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। अगर बात करते हैं इसके प्रोसेसर की तो दोस्तों यहां पे SC9863A1 प्रोसेसर है। अब दोस्तों मुझे नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट नेम क्या है, लेकिन यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह लिखा हुआ उसका। अब दोस्तों अगर बात करते हैं फ्रंट कैमरा की तो 5 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करते हैं रैम की तो 4GB की रैम आती है, 128GB का पहला वेरिएंट आपको मिल जाएगा। एंड्रॉइड 12 गो एडिशन के ऊपर आता है, 6000 mAh की बैटरी है, 10W का फास्ट चार्जर मिल जाएगा आपको। 10W का फास्ट चार्जर काफी ज्यादा स्लो होगा मेरे हिसाब से, 6000 mAh की बैटरी है। बाकी दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर इसके प्राइस की तो 12,999 rupees यानी कि 13,000 का राउंड ऑफ करके आपको पड़ जाएगा, जो भी लोग ट्रैक कर पाएंगे जल्दी। दोस्तों मेरे हिसाब से ये टैब ठीक है, मतलब प्रोसेसर का मुझे आइडिया नहीं है सीरियसली बोल दूं, बाकी चीजें दिखने में ठीक लग रही हैं अगर हम प्राइस देखें तो आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के टेक अपडेट्स को करते हैं वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।